के बाद वापस अभी जा रहे हैं, तो और अभी मुझे मिस्टर थॉमस दिखाए कि आज आपको जो है ये प्रोविडेंसा दिखाएंगे। प्रोविडेंसा दिस इज ऑल नो नो ओके स्ट्रिक्ट टू थ्री मोर इज लाइफ ओके। मिस्टर थॉमस यू आर 66 वेरी वेरी यंग मैन। ये जरा संत्यागो की खूबसूरती है और ये यहाँ का मसरूफ तरीन इलाका है, और लेकिन चूंकि आज संडे है। हाँ ये क्या व्हाट इज दिस, ये टावर क्या है? शॉपिंग कोस्टानेरा सेंटर। शॉपिंग कोस्टेला कोस्टानेरा सेंटर कोस्टेला सेंटर कह रही है, कह रही है शॉपिंग। ये जो ना ये दिखा रही है जबरदस्त। वेरी ओल्ड और बिग टाइम बिग वेरी बिग शॉपिंग सेंटर। बट टुडे इज संडे, नो पीपल नो कार। वो कह रहे हैं कि आज संडे होने की वजह से रश कम है लोगों का नजर आ रहा है, लोग घरों पर आराम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत है ये संत्यागो का इलाका। Go. अब ये सिग्नल पे रुके हुए हम लोग, इनको बेचैनी हो रही है कि जल्दी चले। ये थॉमस साहब जो बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइवर है, और इत्तेफाक की बात है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये जैसे ही लोगों से वास्ता पड़ता है जो मेरी तबीयत की बने बहुत दिलचस्प है। और जब म्यूजियम में गया तो ये वहाँ मेरे सामान की रखवाली करने लगी, और मैं अंदर जाके आधा घंटा देख कर रखा हूँ, तो उसकी डिटेल बाद में बताऊँगा आपको। ये फिलहाल आपको दिखा रहे हैं संत्यागो का प्रोविडेंस इलाका, जो कि एयरपोर्ट से तकरीबन 40 मिनट के फासले पर है, और 40 मिनट के फासले पर है एयरपोर्ट से। चूँकि आज मेरा यहाँ पर 7 घंटे के बाद मेरी अगली फ्लाइट थी लॉस एंजल्स के लिए, तो सोचा कि 3-4 घंटे जो है यहाँ पर किस तरह गुजारे जाएँ। तो अदनान शाह साहब ने मुझे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भैया चार लोगों का जो म्यूज़ियम है वो देख लें, उस म्यूज़ियम में जो है वो उसकी बाकियात हैं, और जो यहाँ के बहुत मरूफ इनकलाबी शायर था पाब्लो नेरुदा, उसको देखने के लिए वो देख लेंगे। मतलब ये उन्होंने बताया मुझे थॉमस ने कि हम आपको यहाँ सैंटियागो की जो मशहूर जगह है प्रोविडेंसा ये दिखाते हैं। ये आपने कितने तो देखे देखो होगा, आप इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।